बाबा हम तो फिर में रजिस्ट्री कराए खत्म एक महीना में कल जाना कितना पैसा है डेढ़ करोड़ रुपया कल मिल रहा है घटे फटे क्लियर कर हिसाब साफ कर दीजिए गार्डन से आगे बढ़ने के बाद हम जब लौट रहे थे तो उसकी गाड़ी इनोवा थी और वो घेर के हमारे गाड़ी में बैठ के हमको धमकाया पिस्टल दिखा के कि अगर जमीन पे पहुँचोगे तो आज के बाद अगर पहुँचोगे ज़मीन पे तो गोली मार लेकिन बाउंड्री तोड़ा उस दिन बात भी फोन पे हुआ है कॉन्फ्रेंस पे रह के वहाँ का इन्वेस्टर जो था वो कॉन्फ्रेंस में लिया था क्योंकि भाई कोई भी तो वहाँ काम करेगा तो इन्वेस्टर तो जो बिचवान है उसी को ना पकड़ेगा जैसे हम बिचवान को पकड़े बिचवान मेरा भाग छब्बीस वर्षो में सत्रह हजार से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के, के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल नमस्कार आप देख रहे और मैं आपके साथ विष्णु पांडे तो आज हमारे जो बगल में बैठे हैं वो बिल्डर है इनके साथ क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताने का कोशिश करेंगे बट थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि ये दो करोड़ रुपया के कहीं प्रोपर्टी लिए थे और जो मालिक उसका था वो प्रॉपर्टी किसी और को भी सेल कर दिया और काफी परेशान होकर का एफ आई आर किया सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ हुआ भैया देखिए नेवरा थाना अंतर्गत बेला में हम प्रॉपर्टी लिए थे चार साल पहले और वहाँ पे जब हमें पता चला कि हमारे पैसा देने के बावजूद वहाँ एक भूपकांत भूपेंद्र नाम के आदमी उस प्रॉपर्टी पे पैसा दे दिया है और उनसे एग्रीमेंट कर लिया है तभी जाकर हम मतलब परेशान हुए कि अरे हम जो इतने सालों से प्रॉपर्टी जो लिए हैं मतलब ये कितना साल पहले का मामला है ये 2020 का ही मामला है तो ये है। आपको कब पता चला कि जो दूसरा लोगों के बेच के एग्रीमेंट करा लिए हैं इधर तो ए, इधर की पता है आपको 10 दिन पहले की ये घटना है 10 दिन पहले ऐसा हुआ है मतलब मानिए ना 17 18 का ये घटना है 17 18 तारीख को यही सामने और 10 दिनों से चल रहा है यहां तक कि कितना बार बातचीत हुआ लेकिन अब दो सालों दो चार सालों से हम पैसा दिए हुए हैं और कहते हैं कि आप पैसा ले लीजिए यहां तक कि हम मार्केट रेट से दे रहे हैं उनको जमीन जमीन का रेट जो है वो मार्केट का है उनका बंद प्लॉट है आज बारह लाख रुपए लिए थे आज बीस लाख मार्केट का वहां रेट है तो हम बीस लाख रुपए दे रहे हैं वो भी रेट नहीं है बंद प्लॉट का कोई रेट नहीं होता है लेकिन तो भी हम दे रहे हैं लेकिन देखिए मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है कि हमसे पैसा लेने के बावजूद भी अवधेश सिंह अजय सिंह और उनका लड़का अवधेश सिंह का लड़का प्रकाश रंजन और अजय सिंह का लड़का राहुल कुमार भूप कांत से मिलकर ये षडयंत्र रचे हैं और विश्वान जो मेरा पैसा दिलवाने वाला वहीं का पूर्व मुखिया अरुण है वहीं का पूर्व अरुण बीच में रह के और पैसा दिलवाया और आज वो बैक हो गया है ऐसे नम, क्यों हो गया? मतलब क्योंकि आपको जब बोल रहे हैं कि पिछवान वो था आपको लिवाया भी वही जमीन तो फिर बैक क्यों हो गया पता नहीं अब कहीं ना कहीं हम तो मेरे दिमाग में ही ना आ गया कहीं ना कहीं षडयंत्र कहीं ना कहीं मिला हुआ है वो, मेरा फोन का रिस्पांस नहीं दे रहा है मेरा फोन नहीं उठा रहा है ना मेरा मैसेज का जवाब दे रहा है तो कहीं ना कहीं षडयंत्र में वो भी होगा वो भी लो लोह लालच में फंसा हुआ होगा तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो जिस दो साल की आप बात कर रहे हैं ऐसा नहीं लगा कि जब आप पैसा दो साल पहले दे दिए तो इस चीज को आप जाकर फाइनल पहले ही करवा लें कितना बार फाइनल के लिए हम लोग बैठे देखिए हम लोग जो है एक छोटा मोटा क्योंकि रजिस्ट्री तो जब पैसा लोग देते हैं तो 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 रजिस्ट्री करवा लेते हैं साल तो ले। साल और दो साल आप बीच में गैप क्यों लिए? वही तो, वही मेन तो मेन मुद्दा है मेन मुद्दा वही है कि हम इतना पैसा दिए हुए आज तक हम एक कट्ठा तक रजिस्ट्री नहीं किए एक कट्ठा रजिस्ट्री नहीं किए है उनको तो कम से कम मान लीजिए कि वो हमसे दो करोड़ रुपया लिए तो एक करोड़ का ही रजिस्ट्री करते एक करोड़ अपने हाथ में रखते ये तो मनावता है ना ये इंसानियत है ना लेकिन इंसानियत तो शर्मसार है वैसे जमीन मालिक के सामने अवधेश सिंह सबसे पैसा मार्केट से उठा के बिरला कॉलोनी में अपना घर बना रहे हैं चार तल्ला ठोक लिए हैं बेटा सर्विस कर रहा है दिल्ली में अपने मजे में है या दूसरे को परेशान करने में लगे हुए हैं अवधेश सिंह अजय सिंह जो है वहां पे दबंगाई करते हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के वो लोग काम करता है कल जो है पिछले बार हमारे ही एक पार्टनर के कंधे पे रख के चला रहे थे तो हमने पार्टनर तो तो कहीं कहीं हम, हम छोड़े हुए हैं तो कोई भी पैसा का पैसा कैसे रिटर्न लेगा वो तो जमीन लेगा ना आपका जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है और मेरा पैसा माइनस हो रहा है आप जो है बारह लाख से बीस लाख जमीन का वैल्यू कर लिए और मेरा पैसा वहीं का वहीं रहेगा आप हमें भी रिटर्न कीजिए हमारा दो लाख लिए हैं तो अब किसी का भी चार पांच सालों में डबल हो जाता है तो मेरा भी तो चार चार करोड़ हो जाना चाहिए चार सालों में तो आपका डबल हो रहा है और मेरा माइनस हो रहा है ये कहाँ का न्याय है हम इसीलिए न्यायालय के पास गए है। मतलब हैं इसीलिए हम एफ किए हैं मतलब हाँ एफ आई आर के बाद प्रशासन की ओर से कुछ है अभी कुछ नहीं है अभी प्रशासन के तरफ से कुछ हम यहाँ तक की साइड भी दिखा दिए जिस दिन मेरा बाउंड्री तोड़ा गया जिस बाउंड्री का बात कर करें वहाँ पे प्रशासन गई थी प्रशासन नहीं गई थी हम जब गए थे तो प्रशासन हमारे साथ गई कि हम घटना देखते हैं कहाँ क्या हुआ है आपके साथ तो पिकनिक गार्डन से आगे बढ़ने के बाद हम जब लौट रहे थे तो उसकी गाड़ी इनोवा थी और वो घेर के हमारे गाड़ी में बैठ के हमको धमकाया पिस्टल दिखा के कि अगर जमीन पे पहुंचोगे तो आज के बाद अगर पहुंचोगे जमीन पे तो गोली मार देंगे मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपके गाड़ी में घुस के धमकी दिया हाँ गाड़ी रोक कर और और बाउंड्री तोड़ा गया बाउंड्री जो जिस दिन बात हुआ जिस दिन बाउंड्री तोड़ा उस दिन बात भी फोन पे हुआ है कॉन्फ्रेंस पे रह के वहाँ का इन्वेस्टर जो था वो कॉन्फ्रेंस पे लिया था क्योंकि भाई कोई भी तो वहाँ काम करेगा तो इन्वेस्टर तो जो बिचवान है उसी को ना पकड़ेगा जैसे हम बिचवान को पकड़े बिचवान मेरा भाग गया वो तो बिचवान भागने के कारण नहीं ना बता बिचवान अगर टाइट रहता था बिचवान कहा कि हाँ इन्होंने पैसा दिया आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा आप जितना पैसा दिए उतना ही रजिस्ट्री कीजिए हम कहाँ मांग रहे हैं स्टाफ से कुछ नहीं मांग रहे हैं आप जितना पैसा लिए हैं उतना रजिस्ट्री कर दीजिए सबको यही कह रहा है लेकिन ये आदमी इतने लोभ लालच इतने अंधकार में फंसा हुआ है कि हमसे अगर बीस लाख में तय हुआ है कोई बीस लाख पचीस हजार दे देगा दे तो उसकी तरफ चला जाएगा आज जो बीस लाख पचास हजार में किसी से तय हुआ है वो इक्कीस लाख दे देगा दे तो उसके तरफ चला जाएगा इतना लोभी प्रवृत्ति के आदमी एक आदमी उस गांव का सही नहीं कहता है और यही फ्रॉडबाजी मालूम ना कितनों के साथ अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो ऐसा ही फ्रोडबाजी चलते रहेगा आज तक आप लोग सुने होंगे कि बिल्डर के शिकार लोग होते हैं लेकिन आज किसान के शिकार बहुत कम सुनने सुनने में आता है क्योंकि नहीं चाहता है कोई लफड़ा करना हम भी नहीं चाहते थे आज चार साल हम क्यों इंतजार किए क्योंकि हम नहीं चाहते थे लफड़ा करना हम नहीं चाहते थे एफ करना हम नहीं चाहते थे कि केस करे लेकिन अब क्या कीजिएगा अगर नहीं मानेगा नहीं कोई समझ पा रहा है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना और किसी के जान पे आती है तो कहाँ जाएगा प्रशासन के पास ही जाएगा न्यायालय के पास ही जाएगा सरकार के पास ही जाएगा तो बस यही हमारी समझिए कि अभी जान की खतरा है हमारा निकलना मुश्किल है अब साइड पे बोल रहा है तो हम मार देंगे और बाउंड्री भी तोड़ेंगे और बाउंड्री भी करेंगे और दबंग है कोई आए रोकना है तो आके रोक ले इस तरह की स्थिति है बनी इनका कहना है कि जो दो करोड़ का इन्होंने प्रोपर्टी दो साल पहले लिया था उसका कीमत बारह लाख रुपया के हिसाब से दिया था अभी उस प्रॉपर्टी का कीमत 20 लाख रुपए हो गया है और जो ये मालिक से लिए थे वो मालिक किसी और और को भी सेल कर दिया है और इनको भी सेल सेल कर कर दिया दिया है है इनको तो ये पहले जो प्रॉपर्टी लिए थे थे उसको आ, मतलब पूरा हुए वो सारी चीजों को बाउंड्री करवाए होते थे उस बाउंड्री को इनके सामने तोड़ दिया गया है और इनको धमकी दिया जा रहा है पिस्टल लेके कि हम इन्हें मार देंगे अगर यहां पे पहुंचेगा तो सारी चीजों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ देखते रहे सस्टॉप न्यूज